श्री श्री राधा रास बिहारी जी की महती कृपा से हम श्रवण कर रहे हैं नारद मुनि की ये बहुत सुंदर उपदेश। युधिष्ठिर महाराज राजसूय सभा में चल रहा है ये सातवां स्कंद। आदा बंते जनानम सद बहिरंतम परावरम ज्ञानम गेयम वचोम वाच्यम तमयुति स्तुयम स्वयं। कैसे जीव को ब्रह्म दर्शन करना है, भगवत दर्शन करना है। भगवान की सिवाय संसार में कुछ भी वस्तु नहीं है। प्रभुपद ने तात्पर्य में अंतिम में यही लिखा है ना, ज्ञान का यही ज्ञान की पूर्णता है, अंतिम स्तर है। हमारा द्वैत दृष्टि है, द्वैत दृष्टि में कल्याण होना संभव नहीं, भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। द्वैत दृष्टि मतलब दो दृष्टि होता है, शरीर आत्मा, भगवतीय दृष्टि नहीं है, द्वैत दृष्टि है। शरीर है, आत्मा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, नहीं नहीं, ये भाव से बहुत ऊपर जाना है हम लोग को, ये हमारा लक्ष्य है। कभी कभी हम सुनते हैं ना तब निराश हो जाते हैं, अरे भक्ति योग इतना उच्च स्तर की है, ये हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य, ये लक्ष्य स्थल पर हमको जाना है। भगवान भगवत गीता में यही बताए हैं, सब ब्रह्म है। आदो अंते जनानम सत बहि अंत परम, जो कुछ देख रहे हैं पहले भगवान ही थे, बाद में भगवान रहेंगे, बीच में जो चल रहा है सब भगवान ही कर रहे हैं, सब भगवान है, सब भगवान का विस्तार है, ब्रह्म का विस्तार है, ब्रह्म ही सब कर रहे हैं। जो भूमि मिट्टी हम देख रहे हैं, वायु देख रहे हैं, जल देख रहे हैं, वो किसी का है, सब भगवान का विस्तार है। भूमि अपन अल वायु खंग बुद्धि मनोरी बचा, सब मुझसे पैदा हुआ है, ठाकुर जी से, भगवान से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। लेकिन ये अद्वैत दृष्टि सिर्फ भगवान ब्रह्म है, ये कृष्ण चेतना में संभव है, पूर्ण स्तर प्रभुपद, ये ज्ञान की पूर्णता है। यो मम पश्यति सर्वं च सर्वं च मयि पश्यति, गीता में ठाकुर ये बोल रहे हैं ना, सब में मुझको देखना है, सब स्थान, हर स्थान में भगवान है। ये बहुत उच्च स्तर, हमको इस स्तर पर जाना है, ये भगवत भक्ति से संभव है। जब ज्ञान मिश्रा भक्ति स्तर को हम आएंगे ना, तब से परमात्मा अनुभव संभव होता है। ज्ञान मिश्रा भक्ति का स्तर का गीता में कहां व्याख्या है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। कम से कम ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, इस स्तर पर चल जाने से परमात्मा अनुभव होता है ठाकुर जी सबका अंदर में। भक्ति में संभव है, मद भक्ति लभते पराम, भक्ति चाहिए, ठाकुर जी का चरण में ममता चाहिए, प्रेम चाहिए, तब तो ठाकुर जी सब जीव का अंतर में ये दर्शन होगा, भीतर में है, बाहर में, आद्य में, अंत में, ठाकुर जी के सिवा संसार में कुछ भी नहीं। भक्ति में ये संभव है। फिर एक श्लोक है ना भगवद्गीता में, स पंडित विद्या विनय संपन्न, यही विद्या है, विनय संपन्न, ये ज्ञानी के लिए है, ज्ञान मिश्र भक्ति के लिए। सत्वगुण की प्राणी कौन है, ब्राह्मण और गोमाता गाय। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभी, ये सत्वगुण के। इसका बाद हस्तिनी रजगुण के। इसका बाद सोपाक चंडाल, ये तमगुण की। तब सत्वगुण की जो प्राणी है, रजगुण की जो प्राणी है और तमगुण की जो प्राणी, कोई भी जीव है उसका अंतर में भगवान को दर्शन करता है, ये ब्रह्म दर्शन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यही रचना किया इस श्लोक के आधार पर। अतः सर्वे ब्रह्मेति भावना एवं मोह अभाव नैवम हेतु इत्याह। संसार में जो मोह पैदा होता है ना, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये मेरा बेटा है,
मन मोह पैदा करता है, मन में मोह आ जाता है और मोह से हम इस संसार चलता है। मोह से छुटकार पाने के लिए यही भावना, ब्रह्म भावना आना चाहिए। ठाकुर जी का सब सब भगवान की, सब भगवान की विस्तार है। ब्रह्म दर्शन होना चाहिए, चाहे सत्वगुणी हो चाहे रजगुणी हो चाहे तम, ये भक्ति में संभव है ये सोचना चाहिए, योग में संभव नहीं है। योग में संभव नहीं है। परमात्मा उपलब्धि स्तर तक आएंगे फिर भी आपका पूर्ण उपलब्धि नहीं होगा। ज्ञान का उन्नत स्तर जो है ना, सर्वत्र यो मंग पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति। देखिए भक्त जब भक्त बन जाते हैं ना, यही दर्शन होता है। घातक को घातक रूप से दर्शन नहीं होता है, कहाँ प्रमाण है? घातक समझते हैं ना, जो मारने वाले हैं, तलवार लेकर मारने वाले जा रहे थे, उनको घातक रूप से समझ में नहीं आते हैं। जड़ भरत ब्रह्म ज्ञान है, जो खींच कर लेते हैं ना रस्सी में लगा कर, क्योंकि वो बिरासन में थे। बिरासन समझते हैं ना, हनुमान जी जैसे बैठे ऐसे क्या करते थे, जो खेती बाड़ी है ना, वो खेती बाड़ी में आते थे कौन, हिरन वगैरह पशु वगैरह, वो खा जाते खेत को, इधर बिरासन में बैठे थे। लेकिन वो खेती बाड़ी में वो घुसते थे कौन, जानवर, जंगली पशु घुसकर खा जाते हैं, लेकिन भगाते नहीं, क्यों? ब्रह्म दृष्टि है ना, क्यों नहीं भगाते हैं? वो दर्शन कर रहे थे कि खाने वाले तो वही है, पैदा करने वाले तो वही है, ये ब्रह्म दर्शन। किसी को भगाऊंगा? पैदा किया सस्य कौन पैदा किया है? जितना बीज है ना, कहां से पैदा हुआ है? बीजमं सर्वभूतानं। गीता पढ़ना चाहिए ना, गीता को समझ में लाना चाहिए। बीजमं सर्वभूतानं बीजमं विधि पार्थ सनातनम, मुझे मैं सनातन बीज हूं सब जीव का। देखिए कितना कड़वा चीज है नीम, पता है कि नहीं? करेला है कि नहीं? कितना चीज है, सबका बीज वही ठाकुर जी बनाया है, ब्रह्म है ये। इसे प्रभुपाद जी हर समय एक श्लोक यूज करते हैं, आपको पता है, रसो अपसुकुंते प्रभास्मि शशिसूर्ययो। प्रभुपाद ये बोलते हैं कि ठाकुर जो समझना बहुत आसानी है, कृष्ण दर्शन करना बहुत आसानी है, थोड़ा पानी पी लो जो स्वाद आता है समझ लो यही कृष्ण है। कितना आसानी से प्रभुपाद लेक्चर में बोल रहे हैं, ये ब्रह्म दर्शन। भी जब हम यही जड़ भरत का जब भक्ति में हम पक जाते हैं तब ब्रह्म दर्शन होता है। यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति। भावना में नहीं होता है, मन में हम सोचेंगे कि ये सब ब्रह्म है, ये मिथ्या ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ब्रह्म बोलते हैं ना, ब्रह्म जब पैसा मिल जाता है तब ब्रह्म ज्ञानी को बताइए, करोड़ रुपया मिल गया तो ज्ञानी का ज्ञान गया, वो पीछे भागेंगे, गए ब्रह्म ज्ञानी। देखे ना कितना ब्रह्म ज्ञानी, मायावादी लोग बहुत बड़ा बड़ा आश्रम बनाए। अरे तुम ज्ञानी लोगों इतना बड़ा फ्लैट में रहने का क्या जरूरत है? हमारा ठाकुर जी फ्लैट में रहते थे, हम तो ठाकुर जी पास रहेंगे। प्रभुपाद जी ने एक कन्वर्सेशन में पढ़ा था, प्रभुपाद जी एक भक्त शायद मीडिया वाले पूछ रहे हैं, आप इतना सुंदर फ्लैट में रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लाइट में जा रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे कि हमारा ठाकुर जी कहाँ है, सेवक नौकर कहाँ रहते हैं, राजा का पास रहते हैं ना। हाँ, हमारा भगवान तो भगवान है ना कृष्णा, वो तो राजा है, राजा का पास रहने से नौकर को वही फैसिलिटी मिलता है। नौकर जो रहता है ना राजा का पास रहता है ना, हम तो खुद के लिए कुछ नहीं करते, हम फर्स्ट फ्लाइट में जाते हैं, इतना बड़ा महल में हम रहते हैं ठाकुर जी के लिए। राजा जहां रहेंगे ना, प्रजा नौकर पास में रहेंगे तो सेवा करेंगे, ये भावना है। कृष्ण चेतना में एक सुष्ट भावना है, भोग भावना नहीं, यही ब्रह्म दृष्टि है, कृष्ण दृष्टि है। जड़ भरत का यही दृष्टि था, जब उनको खींच कर ले गए पशु समझ गए, रस्सी लगाकर खींच के ले रहे थे, तब क्या सोच रहे थे? ठाकुर जी की इच्छा है जहां भी जाना है चलो। हमको कोई खींच कर लेंगे तो पूछेंगे ना, कहां मुझे ले रहे हैं आप? जड़ भरत नहीं, कुछ नहीं पूछ रहे थे, उनको पता है यही ठाकुर जी मुझे ले रहे हैं। भक्त का यही दर्शन हो जाता है, उन्नत स्तर जब होते हैं ना, यही होते।
तुम्हारा इच्छाए प्रभु सब काज हय, तुम्हारा इच्छाए प्रभु सब काज हय। जीव बोले आमी करी ताई सत्य नय, जीव बोले आमी करी ताई सत्य न। बहुत सुंदर सिद्धांत भक्त विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी ने इस हर बार यही बता रहे थे। प्रभुपाद जी का नरोत्तमदास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर का भजन वेद की सारा अतिसार शिक्षा है, इसलिए प्रभुपाद कितने सुंदर से संगीत सुनिए प्रभुपाद जी का, गोरा पहुना बुझिया मोइन सब सिद्धांत उसी में। तुम्हार इच्छा है प्रभु सब काज है, जीव बोले आमी करी ताई सत्य ने। जीव सोचता है कि मैं करता हूं, नहीं, ठाकुर जी सब कुछ करते। ये ब्रह्म दृष्टि, यही दृष्टि आ गया था भरत महाराज का, जो खींच कर लेते थे ना वो सोचते ठाकुर जी ले रहे हैं। जब उनको नहाए, वस्त्र दिए, माला दिए, सिंदूर लगाए और घातक आया तलवार लेकर, तब क्या सोचे, हम क्या कहेंगे, जड़ भरत के स्थान पर अगर हम होंगे तो क्या बोलेंगे, आप क्या करने के लिए मुझे लाए हो, तो ये भी प्रश्न नहीं कर रहे। और घातक को भी वही ब्रह्म दृष्टि, और देख रहे हैं किसी का सामने, उसको बलि बोलते हैं ना हिंदी में, किसका सामने बलि देने वाले थे, काली से भी ब्रह्म दृष्टि, एक ही दृष्टि है। घातक के ऊपर जो दृष्टि है, वो खींचने वाले जो चोर लोग हैं उनका ऊपर जो दृष्टि है, और काली माता का ऊपर यही दृष्टि। तब विश्वनाथ चक्र ठाकुर यही रचना कर रहे हैं। क्या हुआ आपको पता है ना, क्या हुआ, विग्रह फट गया। विग्रह फट गया, क्यों फट गया, किसका शक्ति से, काली का शक्ति से, नहीं नहीं, देखिए प्रभुपाद क्या लिखे, विश्वनाथ चक्र ठाकुर इतना ब्रह्म दृष्टि था, इतना भगवत भक्त थे, इतना प्रभु जी का ऊपर भाव था, खुद का ब्रह्म तेज में काली का विग्रह टूट गया, फट गया। ये ब्रह्म तेज भरत का है, भरत महाराज का है, सम दृष्टि। सर्वभूतस्तमात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इक्यते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम। जय श्री श्री गौर नित्य राधारास बिहारी राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज, सर्वत्र समदर्शन योगी के लिए ठाकुर जी ये श्लोक बोले। इसलिए तो अर्जुन प्रश्न उठाया, नहीं ये संभव नहीं है, आप जो बोल रहे हैं ना सम दर्शन करना है, युद्ध क्षेत्र भी सम दर्शन करना है, ये योग आप जो बता रहे हैं ना, मन तो चंचल है ना, इसी ऊपर ही ये आधार पर ही प्रश्न किया, सम दर्शन होना चाहिए। जो घातक है, जो रक्षक है, जो पालक है, जो राजा है, प्रजा है, सम दर्शन कर होगा हमारा मंदिर में, कम हमको धुलाई करेंगे झाड़ू में, हम बोलेंगे सम दर्शन है होगा, थोड़ा कोई डांट देता है तो तब सोचते हैं कि मेरा मरण हो गया, क्या सम दर्शन। गीता में ठाकुर जी क्या बोला है, भक्त का स्वभाव क्या है, भक्त का लक्षण क्या है, द्वादश अध्याय में यही समदर्शन बात है। अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्रं करुणैव च निर्ममः निरहंकार समदुःख सुखज्ञम्। देखिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कमेंट्री क्या लिखे, आप प्रभुपाद का तात्पर्य देखिए, पूरा बिल्कुल विश्वनाथ चक्र ठाकुर कमेंट्री भरी, पूरा यही है। हमको यही स्तर में जाना है, ब्रह्म स्तर में, ब्रह्म शब्द जहां ब्रह्म है। देखिए प्रभुपाद क्या लिखे हैं उधर, कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक भक्त ने उड़ीसा में वो बुक डिस्कशन कर रहे थे, एक पंडित उनको मिल गया, जब गीता उनको दिया तो बोल रहे आपका गीता में सब बिल्कुल भूल है, क्यों, तुम्हारा प्रभुपाद हर जगह में यही ब्रह्म शब्द पर कृष्ण 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 कॉन्शियसनेस कृष्ण, कभी प्रभुपाद ब्रह्म नहीं लिखे। देखिए ब्रह्म का ऊपर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ब्रह्म का तात्पर्य यही है,
ब्रह्म कृष्ण का अंश है ना, ब्रह्म और परमात्मा और भगवान। ब्रह्म का तात् ब्रह्म अर्थ बृहत वस्तु, ब्रह्म का ऊपर प्रवचन चैतन्य महाप्रभु ने दिया। चैतन्य चैतन्य पढ़िए आप, ये तो लगेगा दो तीन क्लास। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म लगा लिया महाप्रभु, तत्ववादी आचार्य लोग को परास्त कर रहे थे, तुम ब्रह्म ब्रह्म बोल रहे हो ना। ब्रह्म का तात्पर्य यही है, शंकराचार्य जो मत प्रदान किया है, ब्रह्म का अर्थ यही परम ब्रह्म कृष्ण। अद्वेष ये साम दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो जाता है। अद्वेष्टाम सर्वभूतानाम मित्रम करुणये मित्र करुणये वचः, हमको यही दृष्टि लाना है। कौन सा दृष्टि? अद्वेष्टाम सर्वभूतानाम सर्वभूतेनाम, सब जीव जीव का ऊपर द्वेष नहीं करना है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने क्या लिखा है उसका ऊपर? द्वेषत्स्वपि द्वेषम न कुरुते हे प्रत्युतम प्रीति कुर्वन्ते। जो हमको द्वेष करते हैं ना उसको प्यार करना है, ये भक्त का लक्षण है। जो हमको प्यार करते उनको हम नहीं प्यार करते, जो द्वेष करते उनको हम प्यार करेंगे? जो द्वेष करते हैं, हमारा पीछे पड़ते हैं, हमको क्रिटिसाइज करते हैं, हमारा पीछे लगते हैं ना, उनको प्यार करना है। बोलने वाले कौन है? हम सोचते क्या ये बोल रहे हैं? ये नहीं बोल रहे हैं, ये मेरा दोस्त बोल रहा है, ये ठाकुर बोल रहे हैं। मैं पढ़ा था एक, आप शायद सुना होगा, ये आपका देश की बात है, हिंदी में तो बहुत उनको बोलते हैं ना, यही ब्रह्म दृष्टि है। क्या उनका नाम था? एकनाथ। ये तो आपका देश के हैं ना, महाराष्ट्र के है ना, एकनाथ। एकनाथ एकनाथ ही द्वेष्ट अद्वेष्टा भक्त थे, किसी को द्वेष नहीं करते थे, सबको प्यार करते थे। पढ़ा था कि छोटा गीता में ब्राह्मण लोग ने उनको बहकाया, एक मुसलमान को उनको बहकाया, तुम ऐसा करो, एकनाथ का मन में अगर क्रोध आ जाएगा ना थोड़ा, तुम्हारा बेटी के लिए जितना पैसा चाहे शादी के लिए ना हम दे देंगे। ब्राह्मण लोग बताए, क्योंकि वो चाहते थे कि एकनाथ को बदनाम करे। एकनाथ कभी गुस्सा नहीं होते, यही भक्त का लक्षण है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर और प्रभुपद ने यही लिखा है, अगर कोई पादुका मुष्टि प्रहार पादुका प्रहार ये न चप्पल में हमको कोई लगाएगा दो तीन बार, क्या सोचेंगे हम? ठाकुर जी का कृपा मिला सोचेंगे हम? फूलमाला जब मिल जाता है ठाकुर जी का कृपा है, तो चप्पल का थोड़ा धुलाई हो गया वो आदमी हमको मार रहे हैं। नहीं नहीं, ये भी भक्ति का स्तर नहीं। ये कैसे संभव है प्रश्न? ये कि संभव है किसको चप्पल में लगाने से, प्रहार करने से, पादु का प्रहार मुष्टि ताड़न मुष्टि में, ये मुष्टि इसको बोलते हैं ना, ये संभव है? नहीं, ठाकुर जी का भक्त है ना वो सोचते मुझे नहीं, ये मैं नहीं मार रहा है, मार रहा है कौन मुझे? ठाकुर जी मार रहे हैं। ऐसा कौन भक्त और एक है भागवत में पहला पत्र फर्स्ट कैंटो में? द्रौपदी पांच बेटा को मार दिया कौन? अश्वत्थामा ने अर्जुन खींचकर पशु जैसे ला रहे। तंग पास बद्धम, इतना सुंदर श्लोक है पास में बद्धा है, अबांग मुखम कर्मन जुगुप्सिते न, नीच कर्म किया है ना, ब्राह्मण होकर ब्रह्म बंधु कर्म सोए हुए बेटे को मार दिया। ये क्षत्रिय का भी कर्म नहीं है, वैश्य का भी, शूद्र का भी कर्म नहीं, सोए हुए छोटा छोटा बच्चा है उसको गर्दन काट दिया, ये ब्राह्मण का कर्म है। अबांग कर्मम, नीचे करके खड़ा था क्योंकि बंधन में अर्जुन डाला था द्रौपदी का सामने। द्रौपदी ने क्या किया पहले, क्या किया पता है आपको? नहीं, पहले प्रणाम किया, बंधन द्रौपदी ने नहीं खोला, यही बोला पहला, अबांग कर्मम जुगुप्सिते न शब्द है। अभी तक उड़नी देते हैं ना, उड़नी बोलते हैं ना, अभी तक वो तो शपथ था मैं उड़नी नहीं दूंगा, दुशासन का वध का बाद उनका रक्त में स्नान करने का, उस रक्त को लाऊंगा इसी में स्नान करूंगा मेरा केस को, वो पकड़ा है ना उसका बाद में उड़नी दूंगा, वही केस आज खुला है। लेकिन जब देखा वो पांच
बेटा को जो मारने वाले हैं अश्वत्थामा को देखा तब क्या किया, पहले प्रणाम किया, प्रणाम की घातक है बेटा को, अरे वही बेटे पड़े हैं उधर, मस्तक नहीं है सिर्फ शरीर गर्दन है, प्रणाम कैसे प्रणाम, बामा कृपया, बामा बामा इसका मतलब है लज्जा से, गुरुपुत्र है ना उन्नी दे दिया, लज्जा से प्रणाम, हम प्रणाम करेंगे, हमको जो कुछ बोल देता है प्रणाम नहीं करते उनका पीछे हम लग जाते हैं, हम भक्त होंगे तो कितना हमको ठाकुर जी को प्रार्थना करना है इसी से हमको सोचना चाहिए, ब्रह्म दृष्टि लाने के लिए कितना हमको ठाकुर जी से प्रार्थना करना है, ठाकुर जी का कृपा हम लोग को चाहिए। बामा स्वभाव कृपया न नाम चह, प्रणाम किए, प्रणाम करके डांट ले लेंगे अर्जुन को अर्जुन को यही बोल रही है, बहुत योद्धा है ना तुमने, किसी का बल पर तुमने लाए हैं उसको, पता है ये कौन है। उवाच सहन्ति अस्य, ये मुझे बहुत पसंद लगता है, हर जगह मैं ये बोलता हूं। उवाच सहन्ति अस्य बंदनम आनयनम सती मुच्यतम मुच्यतम एस ब्राह्मणम नितरम गुरु। जब भगवान ने अर्जुन को पहले बोला ना, जब पकड़ लिया ना अर्जुन तुम मारो इसको, ये ब्रह्म बंधु है, ये आतताई है, अर्जुन नहीं मारा, लेकिन भगवान के सामने द्रौपदी क्या बोल रहे हैं, एस ब्राह्मण एस गुरु, यही अश्वत्थामा मेरा गुरु है, देखिए पांच लड़के को मारने वाला अश्वत्थामा गुरु है। मुच्यताम मुच्यताम एसाम ब्राह्मणम नीतराम गुरु, ब्राह्मण चाहे कुछ भी करे वो गुरु है। उबाच अशांति अस्य, खुद का बेटा का मरण सह लिया लेकिन गुरुपुत्र का बंधन नहीं सहा, यही है ब्रह्म दृष्टि। तो तब बोल रहे ये तुमको पता नहीं ये गुरु नहीं है, अर्जुन बोल रहे ये गुरु नहीं है गुरुपुत्र है, तुम भावुकता सा भावुक भावुक बोलते हैं ना भावुकपन में तुम बोल रहे हो कि ये गुरु नहीं है गुरुपुत्र है, तब बोल रहे नहीं ये गुरुपुत्र नहीं। एस ही द्रोण साक्षात, एस ही भगवान द्रोण पुत्र रूपेण वर्तते है, यही द्रोण है। देखिए दृष्टि द्रौपदी का दृष्टि क्या है, ये ब्रह्म दृष्टि होते हैं, हमको यही स्तर पर जाना है। मैं किसका बात बोल रहा था, एक नाथ का बात, वो ब्राह्मण लोगों ने बहका दिया ना तुम जाओ उसको, उनका मन में थोड़ा कोई भी डांटते हैं ना एक नाथ को तो वो भी हंसते हैं, ये ठाकुर जी मुझे डांट रहे हैं तब ब्राह्मण लोगों ने बोला कि एक मुसलमान को बोला कि देखो तुम्हारा लड़की का शादी के लिए जितना बंदोबस्त हम सब कर देंगे, तुम इसको थोड़ा क्रोध पैदा करना है उनका अंतर में, हम लोग देखेंगे तब तो उसको बदनाम करेंगे। तब वो नहाने के लिए जा रहे थे, कावेरी शायद पड़ा था बहुत दिन से कावेरी, और वो ऊपर बैठा पेड़ का ऊपर बैठा, वो नहाकर एक नाथ आ रहे थे उसका ऊपर क्या करते थे, थूक देते थे, थुकते थुकते वो थुकाराम हो गया, उनका नाम थुकाराम हो गया, थुकते थुकते वो भक्त बन गए, और जितना बार थुक रहे थे ना उतना बार एकनाथ उनको देखकर प्रसन्न हो रहे थे। आज ठाकुर जी का क्या लीला है, क्या सोच रहे थे, वो मुसलमान नहीं थुक रहे हैं, थुकने वाले कौन है, ठाकुर जी थुक रहे हैं, वो जितना बार थुक रहे थे वो उतना बार प्रसन्नता से जा रहे थे नहा कर आते, उनका मन में असर पड़ा है, क्या है? कोई क्रोध नहीं आ रहा है अपितु प्रसन्नता आ रहा है। कितना बार थका, 108 बार, एक माली हम जब करते ना एक माली माला फेर लिया एक बार, 108 बार का बाद नीचे आया और पांव में गिर गया, आप साक्षात भगवान, यही उनका पांव में पड़ते, कौन पड़ते पांव में, एकनाथ पांव में पड़ते हैं मुसलमान, आप साक्षात भगवान, दोनों का बीच यही चल रहा है नाटक, आप ही भगवान है, वो बोले नहीं आप ही भगवान है, मैं तो मुसलमान हूं, मैं आपको आपका मन में क्रोध पैदा करने के लिए आया, तो मैं भगवान कैसा है,
अरे ठाकुर जी का इतना दया है, मैं गोदावरी का पास में हूँ, कावेरी का पास में हूँ, इतना पवित्र नदी है, एक बार नहाता हूँ। आज ठाकुर जी ने तुम्हारा माध्यम से इतना सुंदर लीला किया तो 108 बार नहाने के लिए मुझे सुजोग मिला, तुम कौन हो? ठाकुर जी ने ऐसा किया। देखिए बोल कौन कर रहे थे? मुसलमान कर रहे थे, लेकिन वो सोचते ठाकुर कर रहे। इसको ब्रह्म ज्ञान बोलते, ब्रह्म दृष्टि बोलते। द्रौपदी का ऐसा ही भाव है, भरत महाराज का ऐसा ही भाव है, भक्त लोग का यही भाव है, महाभागवत लोग का यही भाव होता है। इसका ऊपर ब्रह्म दृष्टि का ऊपर भगवत दृष्टि होता है, पूरा महाभागवत हो जाता है। महाभागवत का क्या क्या लक्षण है एकादश स्कंद में पढ़िए, हर जगह में भगवान की लीला, भगवान की इच्छा, भगवान की कर्म, सब ये ठाकुर जी सब कर रहे हैं। दूसरा द्वैत दृष्टि नहीं होता है, दो दृष्टि नहीं होता है। कहां प्रमाण है? चैतन्य महाप्रभु प्रमाण दे रहे हैं, महाभागवत देखे स्थावर जंगमा, महाभागवत देखे स्थावर जंगमा, ताहा ताहा है तार कृष्णेर स्मरण, ताहा ताहा है तार कृष्णेर स्मरण, स्थावर जंगम देखे ना देखतार मूर्ति, स्थावर जंगम देखे ना देखतार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। ये प्रसंग क्यों हम श्रवण कर रहे हैं कि ज्ञान गेयम वचो वाच्यम, ठाकुर जी सब है, ज्ञान वही है, जानने का वस्तु वेदश्च सर्वम अहमेव, वेद का अंतिम वस्तु मैं हूं। कृष्ण जो पढ़ रहे हैं, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? कृष्ण को जानने के लिए, जो भी लक्ष्य है कृष्ण है। इधर है श्लोक ना, है ना, आदवंते जनानाम सद बहिरंतम पराब्रह्म, छोटा चीज हो चाहे बड़ा चीज हो, चाहे अंत हो चाहे बहि, सब ठाकुर जी है ना, मतो परतरो, ये सब गीता में लगा, ये श्लोक बिल्कुल गीता का ऊपर चलेगा। मतः परतर नान्य किंचित, दो शब्द लगाए ठाकुर जी ने, शायद कोई अर्जुन सोच सकता है और कुछ है, नान्यत लगाया फिर किंचित लगाया, कुछ नहीं है मेरे सिवा, कुछ नहीं, परतत्व कोई नहीं है, मैं ही असमर्थ तत्व हूं। असमर्थ मतलब मेरा समान कोई नहीं है, मेरा बराबर कोई नहीं है, सब चीज मुझसे निकला है ठाकुर जी, सब निकला है, सब ठाकुर जी। तो माया क्या है तब प्रश्न आएगा। हम माया बोलते ना, माया है माया है माया है। प्रभुपाद जी के लेक्चर है, बहुत सुंदर लेक्चर है, प्रभुपाद जी बोलते हैं जब यही महाभागवत दृष्टि हो जाएगा तब माया कुछ नहीं रहेगा। माया किसका है? मम्मा माया है, ठाकुर जी का माया है ना, सब जगह भगवान को दर्शन करें तब माया क्या है? माया कुछ नहीं है। माया शब्द का अर्थ यही है, जहां कृष्ण नहीं तहां माया राधिक, जहां कृष्ण संबंध नहीं है तहां माया, माया कोई चीज नहीं है, प्रभुपाद जी यही बता रहे थे, माया कुछ नहीं है। हाँ, कोई कोई शादी करता ना, वो सोचता है पत्नी मेरे लिए माया है, नहीं द्रौपदी माया नहीं था, माया नहीं थी, किसके लिए? पांडव के लिए, कृष्ण का सेवा कर रहे थे। जो चीज आपका पास है लेकिन वो कृष्ण का नहीं है, कृष्ण सेवा में नहीं, वही माया। और हम लोग के लिए क्या माया? अगर साधु के लिए भी एक माया है, क्या माया है?
अगर सेवा नहीं करते, ये शरीर अगर भोग में जाता है ना, ये शरीर भी हमारे लिए माया है। सेवा में नहीं लो, ठाकुर जी विस्मरण होते हैं, शादी न करने से क्या होता है। ठाकुर जी की सेवा में लगना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य, तब तो माया कुछ नहीं है। महाभागवत का यही दृष्टि, स्थावर जंगम, स्थावर अजंगम, दोनों चर अचर सब में कृष्ण को दर्शन करते। मैं एक गांव का भक्त है, मैं गया था कथा के लिए, सुना पहली बार, आप लोग शायद पढ़े, मुझे तो पढ़ने को फुर्सत नहीं मिलता है, बोलने को मिलता है। अरे पढ़ेंगे तो तब बोलेंगे, क्या करे, तो भाग्य में नहीं होता है। प्रभुपाद जी सब पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद इतना विज्ञान है, प्रभुपाद का प्रवचन को मैं विज्ञान बोलता, अनुभव ज्ञान चिबाकर हमको दिया है। आपको पता है ना, गो माता का बोल रहा था ना, गाय क्या करते, घास खाते हैं, चिबाते हैं, तब चिबाने का बाद चबाते हैं ना, चबाने का बाद वो पकता है, तब क्या बनता है, दूध बनता है, तब तो हम भोजन करते हैं, हृष्ट पृष्ट होते हैं। साधु लोग शास्त्र को इसे पकाया है। आप मत सोचिए मैं शास्त्र पढ़ के समझ लूंगा, नहीं, शास्त्र कैसा है, मैं पहले जब आया था ये बोला, शास्त्र सागर घी, सागर इधर सागर है ना, समुद्र, समुद्र में क्या होता है, आपको बहुत तृष्णा है, प्यास है, आप जाएंगे थोड़ा पानी पीने के लिए जुहू बीच में, क्या मिलेगा आपको, पानी मिलेगा, पियेंगे आप, मेडिकल में जाएंगे, वो पानी थोड़ा पी लेंगे तो मेडिकल एडमिशन हो जाएंगे, है तो पानी लेकिन है इसमें है क्या, नमक, आपके लिए हित नहीं है, तो पानी, शास्त्र ऐसा ही है। आप किसी अधिकारी में है ना, आपको पता नहीं चलेगा, शास्त्र पढ़ेंगे ना आपको चलेगा, अरे ये तो ठीक नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं, मैं ये करना चाहता हूं, अधिकार निर्णय होता है, ये आसानी नहीं। लेकिन वही पानी को जब सूर्य देव ले जाता है, नमक को छोड़ देता है, पानी ले गया, और उसको सूर्यदेव क्या करता है, बरसात होता है ना तब उसको हम पीते, फिल्टर हो गया। आचार्य यही है, इसीलिए साधु जो बोलता है वो विज्ञान, फिल्टर हो गया, फिल्टर पानी पी लो, अभी कुछ नहीं होगा, बैक्टीरिया कुछ नहीं, डायरेक्ट शास्त्र, इसमें थोड़ा इधर उधर है ना, इसलिए आज चल रहा है, इतना हलचल मन में चल रहे, मैं तो पढ़ा हूं, अरे तुमने पढ़ा है, साधु से सुना है क्या, तुम जो पढ़ा है तुम्हारा बुद्धि दिमाग लगाकर पढ़ा है, तुम्हारा दिमाग जिस गुण में है, तुम्हारा बुद्धि जिस गुण में, वही ज्ञान तुम्हारा है। लेकिन शास्त्र का तात्पर्य यही नहीं है, इसका ऊपर है। मैं सुना था एक भक्त से, वो भागवत कथा की अनुमोदन कर रहे थे, वो बोल रहे थे तो गाँव में रहते, लेकिन मैं सुना, अरे प्रभुपा जी इतना बड़ा बात बताए, मैं तो पढ़ा नहीं कभी। प्रभुपा जी विदेश में एक बार जा रहे थे, देखिए स्थावर ब्रह्म दृष्टि कैसा है, हर जगह में प्रभुपाद जा रहे थे, प्रभुपाद क्या पकड़ते, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाठी नहीं, हाँ आप पकड़े हैं ना छड़ी, छड़ी ऐसा ही है, तो प्रभुपाद पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं आश्रय के लिए, प्रभुपाद के लिए कोई जरूरत नहीं है, कृष्ण उनका आश्रय वो तो हम लोग को दिखाने के लिए वो पकड़ कर जाते थे। एक स्थान में आइस, बर्फ क्या बोलते हैं हिंदी में, बर्फ है, विदेश में होता है ना बर्फ गिरता है, वो थोड़ा थोड़ा फूल जैसा, पहले बर्फ कैसा है ना विदेश में जो पड़ता है ना, फूल जैसा है, उसका बाद वो धीरे धीरे जम जाता है, पत्थर हो जाता है, पत्थर जैसा। तब प्रभुपाद ने वो स्टिक लेकर उसको ऐसे ऐसे कर रहे थे, रुक गए भक्त लोग बीच में, चारों दिशा में खड़े हैं, प्रभुपाद इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, स्टिक का जो पीछे में है ना इसमें लगा, ऐसे ऐसे कर, कितना बार किया। तो भक्त लोग पूछ रहे प्रभुपाद जी ये क्यों क्यों कर रहे हैं, वो सोच रहे थे प्रभुपाद क्या ये छोटा बच्चा जैसा ऐसा खेल रहे हैं बर्फ से ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे वो भक्त बता रहे थे, आप शायद पढ़ा होगा, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, कितना बार प्रभुपाद ने कोशिश किए लाठी से तब नहीं टूटा। वो भक्त लोग ने प्रश्न किए, प्रभुपाद आप ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे देखिए ये क्या था, पानी था, अभी देखिए स्वरूप धर्म को त्याग कर दिया है, क्या हो गया है,
देखिए उसका धर्म को वापस लाने के लिए मैं कितना प्रयास करता हूँ, नहीं होता। तुम लोग ऐसा ही जीव जब ये मायाग्रस्त हो जाता है वो बर्फ जैसा हो जाता है। कितना मैं प्रयास करता हूँ लेकिन देखो कितना कठिनाई होता है। प्रभुपाद देख बोल रहे, देखिए कितना कठिनाई होता है पानी ये स्थिति में, उसको उसका स्वरूप स्थिति लाना में कितना कठिनाई होता है, संभव नहीं होता। जीव ऐसा है मायाग्रस्त हो जाने से ना, भूत लग गया मायाग्रस्त जीव रहा है से भाव उदय, पिशाची लागी ले जन्म मति छन्न है मायाग्रस्त जीवर है सेवा बहुदाय। भूत लग जाने से जैसा मति छन्न आछन्न हो जाता है ऐसा ही माया ऐसा पकड़ ले। प्रभुपद क्या दर्शन कर रहे थे, बर्फ दर्शन कर रहे थे नहीं। अरे एक उदाहरण प्रभुपद से मैं पढ़ा हूँ, ये पढ़ा हूँ शायद प्रभुपद कहाँ मॉर्निंग वॉकिंग शायद जूहू में है या विदेश में समुद्र के पास ओशन के पास, वो छोटा छोटा क्या बोलते कंकड़ा बोलते ना, छोटा छोटा उड़ियार कंकड़ा केंकड़ा है हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटा छोटा है ना केंकड़े, देखा है ना पूरी में बीच में है, सी बीच में इधर है नहीं छोटा, पूरी में जाएंगे ना देखें छोटा छोटा वो जा रहे। प्रभुपद उनको दर्शन कर लिए तो देखिए स्थावर जंगम देखे ना देखे तारु मूर्ति, ब्रह्म दृष्टि यही है ना। प्रभुपद बता रहे भक्त लोग को, इसको पकड़ो, पकड़ा है कभी केंकड़ा को, देखा है पुरी में, पकड़ लेंगे आप, नहीं नहीं छोटा है, आपको देखते देखते भागेंगे, आपको देखेंगे भागेंगे, इसका मतलब क्या है मैं आपको केयर नहीं करता। वो घुस जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, मैं देखा हूं कितना बार मैंने प्रभुपद को पढ़ने के बाद कोशिश किया उसको पकड़ने के लिए, वो पकड़ में नहीं आते हैं, जल्दी जल्दी भाजते हैं, इतना क्या बोलते तेज है और इतना केयर हमको केयर नहीं करते, आदमी मेरा क्या करेगा। प्रभुपद बोल रहे हैं पता है वो इतना निर्भय क्यों है, निर्भय बोलते हैं ना हिंदी में, दर्पण क्यों नहीं है पता है तुमको। वो लोग तो खड़ा रहे, प्रभुपद स्थावर जंगम तो महाभाग होते, इन्होंने समुद्र पर आश्रय किया है, उनका आश्रय विशाल है, शेल्टर है तो छोटा कीड़ा है, छोटा है लेकिन इसका आश्रय बड़ा है, इसलिए हमको भी वो केयर नहीं करता। अगर कृष्ण को हम आश्रय कर लेंगे संसार में इसे हम निर्भय रहेंगे। प्रभुपद इमीडिएटली यही बोलती है यही है ब्रह्म दृष्टि महाभागवत देखे स्थावर। कितना प्रभुपद का कन्वर्सेशन पढ़िए ना, कितना ये सही ये विज्ञान, महाभागवत देखे स्थावर जंगवा तहां तहां है तार कृष्ण रसपूर्णा। सब जिसे हम कोई छोटा बालक को देखते हैं क्या सोचते हैं, बालक है, महाभागवत ऐसा नहीं सोचते, क्या सोचते हैं कि कृष्ण का सखा है। कोई नारी को जुबती नारी को हम देखते हैं क्या सोचते हैं, भोग्य वस्तु है, सुंदरी है, सुंदर ब्यूटीफुल। तो महाभागवत दर्शन करते हैं अरे गोपी है। चाणक्य पंडित ने एक नीति में एक श्लोक लिखे हैं तो याद किया बीच में भूल गया फिर लाने के लिए श्लोक को, और विश्वनाथ चक्र ठाकुर में एकादश कुंद में यही लिखा है। एक नारी वो जा रहे हैं जुबती नारी जा रहे हैं तो कुत्ता दर्शन करेगा तो क्या दर्शन करेगा, इसमें कुत्ता ना क्या दर्शन करता है, कब मरेगा उनका मांस भोजन में करूंगा, मांस को दर्शन कर मर जाएगा तो अभी कितना सुंदर है ना मांस, कुत्ता का यही दर्शन है। योगी जुबती नारी को दर्शन करता है जो क्या सोचता है, मल मूत्र का एक भांड है पात्र है। और इसमें है क्या, हमारे में है क्या, चाहे पुरुष हो नारी हो भीतर क्या है, ऊपर तो ये तो लगा लिए हैं हम, भीतर कोई देखा है, भीतर दो ने दो बताए हैं भागवत में, भीतर क्या है दो नारी बताए हैं संसार में, सबसे लक्ष्मी बताए हैं और एक वेश्या बताए हैं, पता है आपको पढ़िए एक भागवत में पिंगला वेश्या ने बताए हैं और रुक्मिणी ने बताए इस शरीर में क्या है, ऊपर सेंट वगैरह लगा देते हैं, भीतर जो सेंट है हमने रखा है जो स्टोर रूम में सेंट, इसमें हम देखे ना बाथरूम में क्या लगाते हैं हम, फिर आदमी इतना गर्व करता है
बाथरूम में कितने सेंट वगैरह है, कहां से आता है वो, भीतर है ना सब, पकता है। कितना क्या डालते हैं, क्या पाउडर, जीरा पाउडर, हींग, कितना डालते हैं जो भोजन करते हैं, कितना, बहुत सुंदर, भीतर जाता है। मैं बताया था ना एक बार, मुझे बार बार याद आ रहा है, एक आदमी जा रहा था और सब लोग ने टट्टी के बोलते हैं ना, टट्टी के मल त्याग के हैं, वो मल का ऊपर थुक रहा था, थुक रहा, तो मल बता रहे हैं तो कि मुझे क्यों थुक रहे हैं, वो बता रहे तो दुर्गंध है ना, दुर्गंध निकलता है, मैं दुर्गंध हूं या तू दुर्गंध हो, नहीं तू, वो बोल रहे मल को तू दुर्गंध हो, मैं दुर्गंध हूं, तुमको पता है मैं क्या था पहले, मैं राइस था, चावल था, गेहूं था, दाल था, सब्जी था, उस समय मैं दुर्गंध था, तुम्हारा भीतर गया, मेरा ऐसा हालत हो गया। तुम्हारा भीतर जाने के बाद यही है हमारा शरीर, फिर इतना गर्व, इतना गर्व हमारा है, ये द्वैत दृष्टि है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, ब्रह्म में दृष्टि हो जाते, और ब्रह्म में दृष्टि हो जाने के बाद मल मूत्र भी ब्रह्म हो जाते। पढ़ा है ना ऋषभदेव का चरित्र, ऋषभदेव जब मल त्याग करते थे कितना दूर तक फैलता था वो सुगंध, 80 माइल। देखिए शरीर ब्रह्म दृष्टि है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देवर स्मृति। और जीवन का ज्ञान का लक्ष्य यही है, वेदस्य सर्वम अहमेव विद्या, बहुत पढ़ाई सुनाई करने का बाद भी लक्ष्य यही है, कृष्ण है, कृष्ण का भजन करना है, शिष्य विद्या अर्पण। इधर एक शब्द है ना, ज्ञानम ज्ञेयम, जानने का वस्तु कृष्ण है। हम पढ़ते हैं क्यों पढ़ते, चैतन्य महाप्रभु ने इतना संस्कृत में बहुत बड़ा पंडित, क्या भगवान है क्या पंडित बताएं, खुद सूत्र, जितना सूत्र पूर्व आचार्यों को व्याख्या को लेने नहीं ले रहे थे, धातु है जो सूत्र है सब खुद खुद निकालते थे, सब पंडित, सब जितना पंडित थे नवदीप में आश्चर्य हुए थे कि ये निमाई पंडित कहां से सूत्र निकाल रहे हैं, खंडन करने का सामर्थ्य कोई नहीं, किसी का नहीं था। लेकिन जब दीक्षा लेकर आए शिष्य लोग को उल्टा पढ़ाने लगे, सब कृष्ण शब्द में सब व्याख्या किए, तब शिष्य लोग ने पूछे गुरुजी अब ये व्याख्या क्यों चल रहे हैं, हरि कृष्ण राम, पहले व्याख्या क्या कर रहे थे, आपने पढ़ा है ना कभी संस्कृत, क्या पढ़ते हैं हम, नरो नर नरो नरा, इसे पढ़ते हैं ना, अभी ठाकुर ऐसा नहीं बोलते हैं, कृष्ण हरि हरो हरा, जो भी व्याख्या कर रहे थे कृष्ण ऊपर, कृष्ण ऊपर, क्योंकि ज्ञानम गेहम यही कृष्ण है, जीवन का लक्ष्य यही कृष्ण है। हम जो भागवत बोल रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी का वाणी सुन रहे हैं, ये लक्ष्य है कृष्ण को जानना, ज्ञान आहरण करना नहीं, ज्ञान आहरण बोलते हैं ना, ज्ञान प्राप्ति करते हैं किसी के लिए, सम्मान के लिए नहीं, नहीं, नहीं क्या होगा ये सम्मान, ज्ञान प्राप्त करके दूसरे से सम्मान लेने से फायदा नहीं मिलता है, ज्ञान का लक्ष्य यही है, कृष्ण को भजन करना है। कृष्ण रो चरण छाड़ी जे आर व्याख्याने, कृष्ण रो चरण छाड़ी जे आर व्याख्याने, वृथा जन्म जाय तार असत्य वचने, वृथा जन्म जाय तार असत्य वचने, शास्त्रे रे नामर्म जाने अध्यापना करे, शास्त्र रे नामर्म जाने अध्यापना करे, गर्धवेर प्राय जेन शास्त्र वही मरे, गर्धवेर
प्रायजन शास्त्र वही मरे चैतन्य महाप्रभु यही व्याख्या। अगर कृष्ण को छोड़कर कृष्ण को कृष्ण का भजन छोड़कर कोई प्रवचन देता है ना, अंतिम जितना प्रवचन का लक्ष्य यही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब प्रश्न आएगा तो कीर्तन करना चाहिए, श्रवण का क्या जरूरत है? कीर्तन नहीं हो रहा है इसीलिए श्रवण कर रहे हैं। श्रवण का अंतिम लक्ष्य यही कीर्तन है, ठाकुर जी का नाम, शास्त्र प्रवचन बोलने का यही अर्थ है। हम जो प्रवचन करते हैं इसका लक्ष्य कृष्ण से मति रहे, सुष्ट हरिनाम, सुंदर हरिनाम मैं कैसे करूंगा, यही लक्ष्य है। इसको छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, अगर कोई बहुत बड़ा पंडित है, शास्त्र बहुत पता है, लेकिन वो एक गद्धा है, गद्धा क्या करता है, ढोता है, ओजन ढोता है, ये शास्त्र गद्धा है, गद्धा है, क्या है, शास्त्र को ढो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कृष्ण भगवान है, कृष्ण की भजन करना चाहिए। बहुत भारतवर्ष में बहुत बड़ा पंडित है, लेकिन ये महाप्रभु की दृष्टि से ये गद्धा है, एक नंबर की गद्धा है, उनका पीछे में लिखना चाहिए तुम एक नंबर गद्धा हो। हे तो बड़ा पंडित, बहुत संस्कृत पढ़ा हो, बहुत प्रवचन दे रहे हो, लेकिन कृष्ण भजन की संबंध में तुम नहीं बता रहे हो, इसलिए तुम गद्धा हो। प्रभुपाद इसीलिए हर समय बोलते हैं नॉनसेंस, कहां मुझे एक भक्त दिल्ली में, हाँ नहीं दिल्ली में, निगड़ी में वो प्रभु जी ने बोला, क्यों महाराज प्रभुपाद इतना नॉनसेंस बोले हैं, रास्केल नॉनसेंस ये शब्द क्यों लगाए? क्योंकि मेरा कोई संबंधी है ना, उस प्रभुपाद को जब ये शब्द सुनता ना वो गुस्सा हो जाते, साधु होकर ऐसा क्यों बोले? मैं बोला हूँ प्रभुपाद जी ने बोला है, मैं ठाकुर जी ने तीन बार बोले हैं गीता में, प्रभुपाद बोला है मैं कंसेशन करके एक बार बोल रहा हूँ, दास हूँ ना। प्रभुपाद ने कन्वर्सेशन ऐसा बोले हैं, मैं एक बार रास्केल बोला हूँ, ठाकुर जी ने तीन बार गीता में बोला है, मैं सेवक हूँ एक बार बोल रहा हूँ, ठाकुर जी तीन बार बोले हैं, रास्केल नहीं है, रास्केल एक नंबर नॉनसेंस है। आपका पिताजी कौन है? पिताजी कौन है? पिताजी का नाम क्या बताइए? हाँ पिताजी उनका है ना, वो बता देते हैं। आप बताएंगे मेरा पिता कौन, मुझे पता नहीं, तो क्या आप नॉनसेंस नहीं है? तो चाहे कितना बड़ा पंडित हो, पिताजी को पता नहीं, जगत का पिता कौन है? कृष्ण। अहं आत्मा गुड़ा केशा, मैं आत्मा हूं। तब जब इतना बड़ा पंडित है उनको पूछेंगे भगवान कौन है, पिता कौन है, तब उनको पता नहीं कौन है, कौन बनाया है हमको पता नहीं है, दुनिया बनाने वाले बनाए हैं। देखिए यही हालत है पंडित लोग का, तब ये क्या है, नॉनसेंस नहीं है? पिताजी पुत्र है, पिताजी को पता नहीं है, वो क्या है, अज्ञानी है ना, नॉनसेंस है, रास्कल है, मूढ़ा शब्द लगा है गीता में। इसलिए साधु जो बोलता है ना सत्य है, ये ब्रह्म दर्शन है, ब्रह्म ज्ञान यही है, कृष्ण का भजन करना है, ब्रह्म दृष्टि यही है। स्कंद पुराण में ये है, मैं भागवत में ये नहीं है। देखिए जब बलि महाराज को बंदन ठाकुर जी ने किया है ना, क्योंकि तीन पग देने के लिए तो प्रतिश्रुति दिए थे, दो पग में ठाकुर जी सब ले लिए, तीसरा पग देने के लिए देने से पहले उसको बंदन कर दिए। तो ब्रह्म दृष्टि किसका था पता है आपको? पढ़ा है आप, एक श्लोक है विंध्यावल्ली का, पढ़िए उनका, डांट दिया प्रभु जी का सामने, ब्रह्मा जी बोलने के लिए तैयार है, लेकिन विंध्यावल्ली बोला प्रभु जी आप जो बोलेंगे ना मुझे पहले, नारी लोग को पहले गवर्नमेंट भी फैसिलिटी देते हैं, रिजर्वेशन के लिए कोटा पहले रहता है, हाँ लेडीज फास्ट। ब्रह्मा जी को वही बताया कि मैं भी, मुझे भी आसन थोड़ा दीजिए, पहला मैं हूं ना। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, महाराज श्री कहते हैं कि माइक्रोफोन को ले लिया। तब क्या बोला, क्या बोली पता है आपको? पढ़िए उस श्लोक, क्रीड़ा के लिए जगत आप बनाए हैं, इस शरीर आप बनाए हैं, धन आपका है, लेकिन मेरा स्वामी ने कर्तुवाद कर रहे हैं कि मैं राजा हूं। प्रभु जी आप बताइए, मेरा स्वामी को लज्जा कहाँ गया, मुझे भी पता नहीं चलता है, शर्म नहीं आता है बोलने के लिए, आपके सामने ठाकुर जी के सामने बोल रहे कि मैं तीन पग दूंगा, मेरा स्वामी का शरीर किसका है, ये भी आपका है ना, ये धन किसका है, ये आपका है ना,
बलि महाराज ने बहुत खुश हो गए, मेरा पत्नी को तत्व, मुझे थोड़ा कमी है, मेरा पत्नी तो पका है। पहले जमाने के जितना भक्त लोग थे ना, उनका पत्नी सब पका भक्त, तभी तो वो पका है। आजकल क्या करे, वो तो खींच रहे हैं आपको, आप इंजन तो, वो इंजन आप डिबा है, वो तो खींच रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे तो वो कहें मार्केट चलो, क्या कर रहे हैं। पहले जितना बड़ा बड़ा ग्रस्त भक्त थे ना, उनका माता जी टप थे, तब तो ही देखिए द्रौपदी, देखिए सुदामा का पत्नी, देखिए सब टॉप थे, तभी तो पति लोग इतना आसानी से भजन कर रहे थे। स्कंद पुराण में वचन है, तब ठाकुर जी ने बोला ठीक है, बलि को तो पता नहीं है, दो पग में सब ले लिया, ब्रह्म दर्शन देखिए, वो दो पग में सब ले लिया है, उनका पास तो कुछ नहीं है, तुम कुछ देने वाली हो, तुम्हारा तो दर्शन है, तुम, मैं सब कुछ हूँ, बलि का शरीर मैं पैदा किया हूँ, धन तो मेरा है, संसार मेरा है, इंद्र पद भी मेरा है, तो दो। तब विंध्या बलि ने बताया, प्रभु एक पग मेरा सिर पर रखिए, और उसका एक लड़का था पास में लेकर गया था, दूसरा पग मेरा लड़का का ऊपर रखिए, और तीसरा पग मेरा स्वामी का ऊपर रखिए, ये हो गया आपका तीन पग, ये शरीर आप भी बना है, ये तो सब आपका है, एक पग कुछ तो संसार में अभी कुछ नहीं, आप तो दो पग में सब ले लिया है, तो एक पग मेरा सिर पर रखिए, एक पग मेरा लड़का का सिर पर रखिए, और एक पग मेरा स्वामी का सिर पर रखिए। ठाकुर जी बहुत खुश हो गए, तत्व पता है, तत्व पता है, ये ब्रह्म दर्शन, इसको ब्रह्म दर्शन बोलते, ज्ञानम ज्ञेयम बचो वाच्यम, जो बोलना है वही कृष्ण बोलना, बोलना है तो कृष्ण नाम बोलना है, सिर्फ कृष्ण कथा, अरे दूसरा कुछ चीज नहीं है बोलने के लिए। सत्य इस जगत में, जड़ भरत चरित आप कभी सुनेंगे ना, बहुत सुंदर तत्व, सत्य जगत में क्या है हमारे लिए, सत्य क्या है, कुछ सत्य नहीं रहेगा। देखिए आपका कमरा, शरीर, आपका नाम रहेगा, मर जाने के बाद लोग क्या बोलेंगे, ये मिस्टर दास का कमरा है। तो हमारे लिए अगर नाम सत्य है, ठाकुर जी के लिए नाम सत्य नहीं है, बताइए जगत में क्या सत्य है, नाम ही सत्य है हमारे के लिए, भी हम मर जाएंगे सब कुछ चला जाएगा लेकिन हमारा नाम रहेगा। मरणशील पुरुष के लिए अगर नाम सत्य है, तो सच्चिदानंद परम ब्रह्म कृष्ण के लिए क्या सत्य है, कृष्ण सत्य है और कृष्ण का नाम सत्य है, और संसार में कुछ सत्य नहीं। इसलिए प्रभुपाद हर समय कहा करते थे, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्य भगवान है सत्यम, कलिजुगे विप्र हरि नाम ही मंगलम, मंगल और सत्य ही कृष्ण का नाम, संसार में दूसरा कुछ नहीं रहेगा, हरि नाम सत्य। ज्ञानम गेयम बचो वाच्यम, सब हम क्या है पढ़ते हैं, मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं, मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी का एक स्टोरी में पढ़ा था गीता में है ना, ठाकुर क्या बोले हैं, नहीं नहीं बोले हैं ना, कर्ता समझते, कर्ता हम इति मन्यते, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमुडात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, करने वाले ठाकुर है, अभी भी जो कुछ हमारा जीवन ठाकुर कर रहे हैं, लेकिन सफलता जब हमारे हाथ में आता है, सफलता बोलते हैं ना हिंदी में, मुझे हिंदी थोड़ा पता नहीं है, आप बता दीजिए, सफल, सफलता आ जाता है तब आप क्या सोचते हैं, मैंने क्या हूं पढ़ाई, आपने देखा है ना जब पेपर में निकलता है, रिजल्ट निकलता है, उड़ीसा में पढ़ा हूँ तो मुझे देखा हूँ बेस्ट टेंथ पहले था, अभी तो वो सब इंटरव्यू लेते हैं वो लिखे हैं, मैं कितना घंटा 12 घंटा पढ़ रहा था, जो मेरा पिता माता का आशीर्वाद है, कोई एक मैंने नहीं सुना हूँ लिखा है कि मैं ठाकुर जी का आशीर्वाद से मैं इतना बड़ा पोजिशन लिया हूँ, कोई नहीं लिखता, मैं बोलता भक्त लोग देखो कोई बोला है ठाकुर, कोई ठाकुर जी का बात, मेरा टीचर बहुत अच्छा था, मेरा स्कूल अच्छा था, देखिए कोई नहीं बोलता है ठाकुर जी अच्छा, ठाकुर जी ने ज्ञान दिया, और जब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं ज्ञान देता हूं, श्रुति स्मृति सब कुछ मैं ही देता हूं, स्मृति मैं ही देता हूं, अपहरण मैं भी करता हूं, कोई क्रेडिट कोई ठाकुर को नहीं देता है,
क्रेडिट क्रेडिट खुद ले जाते हैं, और जो प्रॉफिट खुद का है, बैंक अकाउंट में प्रॉफिट किसका है? खुद का है। लॉस जब हो जाता है ठाकुर जी का नाम डाल देते, ठाकुर जी ने सब ले लिया। बैंक में दिया कौन? बैंक ऑफिसर को बोलिए ये नाम ठाकुर जी से, रास बिहारी नाम से। किसका? रास बिहारी नाम से अकाउंट है। जब लॉस हो जाता है तब बैंक वाले को बोलते क्या करे, ठाकुर रास बिहारी ने सब ले लिया। वो ले लिया, दिया था कौन? उनका नाम नहीं है। करता अहम, ये ब्रह्म दर्शन नहीं है। हम भक्त लोग अगर ऐसे करते दूसरा किसी को बताएं? जब सफलता हमारे हाथ पर आ जाते तो हम सोचते हैं मैं क्या हूं, जब विफलता आता है भगवान ने ऐसा किया, क्या करे प्रभु जी तो ऐसा किया। ये जीवक जीव का हालत है, यही हालत। एक ब्रह्म ज्ञानी था, ये मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी हम लोग का हालत यही है, इसीलिए मैं यही बोल रहा हूं। पढ़ा था एक बार, एक मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी था, बहुत बड़ा आश्रम किया था, एक किताब में पढ़ा था, बहुत बड़ा आश्रम, सुंदर पेड़ पौधा सब कुछ था, लेकिन जटा बोलते हैं ना, जटा है, सब लोग को पता मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, लेकिन है तो ब्रह्म ज्ञानी, बहुत आसक्त थे बगीचा का ऊपर, बगीचा है ना, फूल का बगीचा थे, बहुत आसक्त थे। एक गाय घुस गए, गर्मी का दिन है, धूप का दिन है, गाय घुस गई, तब वो एक डंडा लिया, डंडा लेकर तो क्रोध में आ गए, क्योंकि जो अच्छा अच्छा पेड़ थे ना, गोमाता भोजन कर लिया। आपको पता है ना, एक श्लोक है मैं पढ़ रहा था, गोमाता के ऊपर जानना चाहिए, हमारा है ना आश्रम तलासरी है, तो वृंदावन, दूसरा जो है क्या, उमर गांव, बहुत अच्छा है, मैं गया था एक बार, इतना सुंदर वृंदावन जैसा लग रहा है। गोमाता काव प्रोटेक्शन, एक श्लोक लिखे हैं, पढ़ा हूँ पुराण में है, अगर गोमाता किसी का खेत में भोजन कर रहा है, खेत में खेती खा रहे हैं, कोई भगा देता है ना, उसका पितृपुरुष लोग हा हाय करते हैं, आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। गोमाता खाने से नष्ट नहीं होता है, पता है ना आपको, तो प्रार्थना सिर्फ इतना करना, भगाना नहीं चाहिए, खाता खाएंगे तो खा लीजिए, देने वाला तो ठाकुर है, खाने वाला तो कितने लोग हैं, आप क्यों चिंता करते, नहीं भगाना चाहिए। वो तो भगा तो क्या, वो मारने लगा, तो गोमाता ने प्राण त्याग कर दिया, तब ब्रह्म हत्या, गोवध करना ही ब्रह्म हत्या है, पता है ना आपको। ब्रह्म हत्या कई तरह की होती, जो गोवध करते हैं ना वो ब्रह्म हत्या आ रही है। तब ब्रह्म हत्या जब आया, वो बोला मैं तुम्हारा शरीर में घुसूंगा, ये इसमें मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी का ये आचरण में एक उदाहरण जैसा है, हम लोग का ऐसा हालत है, मिथ्या में बोलते हैं, उपलब्धि नहीं, भक्त होने भक्ति करने के बाद ये उपलब्धि स्तर आएगा, जो कुछ होता है ठाकुर जी की इच्छा से, तुम्हारी इच्छा है प्रभु, सबका इच्छा। तब ब्रह्म हत्या ने मूर्तिमंत होकर जब प्रवेश करने के लिए तैयार हुए ब्रह्म ज्ञानी का भीतर, बोला ए मैं मारा हूं, मेरा हाथ मारा है, इसको हाथ बोलते हैं ना, हस्त ने मारा है, मैं क्या मारा हूं। तब ब्रह्म हत्या ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारा हस्त में प्रवेश करूंगा। नहीं नहीं, हाथ चलाता है कौन, हाथ को कौन चलाता है, हस्त में इंद्रिया अधिष्ठतृ देवता, हर इंद्रिया में देवता लोग है, आपको पता है ना, हस्त में कौन है, इंद्र है। ये ब्रह्म हत्या, ये तो मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी है, बोला मैं मारा हूं, मेरा हस्त मारा है। तब ब्रह्म हत्या ने बोला तुम्हारा हस्त में रहूंगा, अरे हस्त को चलाते इंद्र, तुम इंद्र का पास जाओ। तब गए इंद्र का पास, बोला कि तुमने मारा है गोमाता को, मैं ब्रह्म हत्या हूं, तुम्हारा शरीर में प्रवेश करूंगा। तब इंद्र, ये बहुत बुद्धिमान देवराज है ना, इंद्र ने बोला हस्त मारता है, कोई कर्म करता है, कब कर्म करता है हस्त, जब चक्षु दर्शन करता है ना, आंख दर्शन करता है ना, तब होता है ना हस्त कर्म करता है, आंख में घुसो तब गया, तो ब्रह्म हत्यारी पागास, तुम्हारा आंख में मैं जाऊंगा, इंद्र ने बताया। तब वो बोल रहे हैं आंख में कौन है, आंख में हमारा देवता है ना सूर्यदेव, सूर्यदेव का पास तुम जाओ।
मिथ्या ब्रह्म ज्ञान है। तब सूर्यदेव के पास जब गया, सूर्यदेव ने बताया क्यों तुम आए हो ना, तुमने तो बुद्धि दर्शन किया तब तो हस्त ने गोवध किया है। सूर्यदेव ने बोला अरे तुमको पता नहीं है मैं दर्शन करता हूं, लेकिन चक्षु और हस्त कब कर्म करता है, मन जब मिलता है ना, तो मन में बैठो। तब वो गया ब्रह्म हत्यारी के पास, तब तुम्हारा मन में बैठूंगा। वो ब्रह्म हत्यारी बोला अरे तुम, ब्रह्म ज्ञानी ने बोला मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी ने, मन में कौन बैठा है आपको पता नहीं है, मन में कौन है, मन में चंद्रमा है, चंद्रमा है। ये आप पढ़ना चाहिए टीका वगैरह में, इशू है मन में कौन है, इंद्र में, हर इंद्र में कौन देवता है, शरीर में देवता लोग है ना, तो मैं भूल गया मन में कौन है। तो चंद्रमा के पास जब गया ब्रह्म हत्यारी, चंद्रमा बोले नहीं किया कि मन कुछ कर्म करता है, मन को प्रेरित करता है कौन, अहंकार। अहंकार जब प्रेरित करता है तब तो कर्म करता है जीव, अहंकार ही शरीर को चलाता है। जिसका अहंकार नहीं है वो पागल हो जाता है। पागल कौन है, वो अहंकार में स्थित नहीं है, क्या करूंगा क्या करूंगा, साधु बनूंगा या शादी करूंगा या नौकरी करूंगा क्या करूंगा, कोई अहंकार टिक नहीं रहा है। अहंकार जब टिकता है ना तब चलाता है, मैं संसारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, ये अहंकार चला रहे, मैं ब्रह्मचारी हूं लेकिन मैं भगवान का दास हूं, ये तो सत्य अहंकार है। लेकिन चलाने के लिए भी वर्णाश्रम धर को कोई अहंकार चाहिए। अहंकार का देवता कौन है, शिव जी है, शिव। तब शिव के पास गए, शिव जी ने बोला अरे मैं क्या करूं, अहंकार कब काम करता है, तू मेरा मेरा शरीर में घुसने के लिए आए हो, अहंकार कब कब कर्म करता है, बुद्धि जब अहंकार को प्रेरित करता। तो बुद्धि का पास, बुद्धि का देवता कौन है, देखिए सब ब्रह्मज्ञानी कितना चालाक है, सब देवता का पास भेजा दिया। तो बुद्धि में कौन रहता है, बुद्धि का कौन है पता नहीं है, ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी है, अधिष्ठात्र देव बोलते हैं। बुद्धि का देवता कौन है, जब ब्रह्मा जी के पास ब्रह्म हत्या गया तब ब्रह्मा जी बोला मैं क्या कर रहा हूं, बुद्धि क्या करता है, जब आत्मा परमात्मा दोनों रहते हैं तब सब काम चलता है। तब ब्रह्मा हत्या ने बोला ठीक है ये तुलना है, ठीक है मैं भगवान के पास जाऊंगा। तब ब्रह्म हत्या जब भगवान के पास गया, भगवान बोले क्या हुआ ना, ऐसा हालत हुआ ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र कोई नहीं मानते हैं, तो आप बताइए मैं कहाँ जाऊंगा। ठाकुर जी ने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम चलो पहले, तो वही ब्रह्म ज्ञानी का मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी के पास चलो, वो ब्रह्म ज्ञानी बोलता है ना उनको मैं बुद्धि सिखाऊंगा। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आए पहले झूठा प्रशंसा करने लगे, इतना सुंदर आश्रम वैकुंठ में नहीं है, कौन बनाया है। ठाकुर जी बार बार बोलते, वो बोलते हैं वो पहले नहीं बोला कि मैं बन भीतर में, अच्छा ये पेड़ तो बैकुंठ में नहीं है शायद, सिर्फ यही है इधर ही है। वो तो पूरा क्या बोलते अहंकार में फूल गए थे, बैकुंठ में नहीं है। वो बोल रहे आप बैकुंठ गए थे क्या, मैं बैकुंठ में ढूंढा हूं ऐसा पेड़ कहां नहीं। ठाकुर जी झूठा झूठा बोल रहे हैं, अच्छा ऐसा फल तो कहां भी नहीं है, आपका आश्रम में सिर्फ है। तब ठाकुर जी ने इसको बनाया कौन, पानी कौन देता है ना, मैं देता हूं, घास कौन, घास वगैरह जो साफ करता है कौन करता है, मैं करता हूं, ये बगीचा किसका है, मेरा है। अच्छा तुमने सब किया है, अच्छा गो माता को कौन वध किया है, गाय को कौन वध किया है, तो क्या बोलेगा, हाथ मेरा हाथ हस्त वध किया है, मेरा मन वध किया है, तब बोलेगा। ठाकुर जी ने बोला जब तुम सब किया है, तुमने किया है, तब गाय को कौन मारा है, मन मारा है या हस्त मारा है, तुमने मारा है। तब ब्रह्म हत्या को बोला कि भीतर घुसो, ये मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी है, हम लोग ऐसे ही है। एक साधु तात्पर्य में यही बोल रहे थे, यही से हम मिथ्या ब्रह्म सब कुछ कर लेते हैं। उड़ीसा में कहावत है पन्नस, क्या बोलते हैं, कटहल, कटहल, कटहल हम खाते हैं उसका भीतर में क्या है, आटा ठाकुर जी का ऊपर लगा देते हैं, कटहल हम खाते हैं
जो पेस्ट आता है ना आटा, इसको ठाकुर जी के ऊपर लगा देते हैं, संसारम भोग करते हैं। जब दुख आता है, मेरा बच्चा क्यों मरा, ठाकुर जी ने मार दिया, मेरा धन क्यों गया, ठाकुर जी ने किया। भोगते हैं हम, कटहल खाते हैं हम, और पेस्ट लगा देते हैं ठाकुर जी की, ये ठाकुर जी गंदा है, हम ठीक, ये ब्रह्म दृष्टि नहीं। एक आद अंते जनानाम सब बही अंत वचो वाच्यम ज्ञान गेयम, जीवन में जो कुछ हो रहा है जानने का वस्तु यही भगवान, वेदेश्च सर्वम अहमेव विद्या। प्रभुपद ने यही तात्पर्य में लिखा, यही दिव्य ज्ञान है, वास्तव ज्ञान है, कृष्ण है, जो कुछ हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, कृष्ण मुझे चला रहे हैं, कृष्ण ही मेरा प्रभु है, वही मेरा बंधु, ये हमारा भावना है, यही है कृष्ण चेतना। स्वतंत्र इच्छा कुछ नहीं, हमारा जब स्वतंत्र इच्छा हो जाते, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हमारा इच्छा है, क्या ठाकुर जी की इच्छा है, इसको जानने के लिए ठाकुर जी ने दो उपाय हमको दिए। क्या दिया है? शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपना के जनान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। क्या ठाकुर जी की इच्छा है, क्या मेरा इच्छा है, इसको जानना भी भक्त के लिए मुश्किल हो जाता है कभी कभी। कभी कभी वो सोचते यही ठाकुर जी की इच्छा है, खुद का इच्छा को ठाकुर जी की इच्छा को ठाकुर जी की इच्छा से मान लेते हैं, ये ठाकुर जी की इच्छा है, जो ठाकुर जी की इच्छा है वो सोचता है ये मेरा इच्छा है, मानते नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने तीन व्यवस्था की है, गुरु रूप से प्रकट होते हैं, पूछ लो गुरु जी को, अगर फिर भी डाउट आता है शास्त्र देख लो, अच्छा गुरु जी ने यही बताया, शास्त्र भी बता रहे हैं, फिर दोनों में थोड़ा संदेह होता है ना। अगर आप सरल आदमी है ना, प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी को, गुरु जी से सुना है, वैष्णव लोग से सुना है, शास्त्र से पढ़ा है, और परमात्मा भीतर है, वो कन्फर्मेशन दे देंगे ये ठीक है। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपना के जनान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे रहे ज्ञान, कृष्ण मेरा प्रभु है, कृष्ण मेरा त्राता है, ये ज्ञान होता है जीव का। तब तो जब ये कृष्ण का व्यवस्था है हम लोग के लिए, सिर्फ कृष्ण को समझना है, भजन करना है, उनका सेवा ही करना है। हरे कृष्ण, जय राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।